हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स हु आर टाइम टू अपीयर इन द कमिंग बी एग्जाम इज दैट क्लियर सो आई वांट टू मेक मोर कंफर्टेबल टू यू एज योर बी एग्जाम इज कमिंग नियर So I am of the opinion that I should try to infuse in your mind the thing which can definitely prove very successful in your annual exam. So as you prefer that I should try to speak in Urdu language. Before I tell you anything Urdu, I would like to tell you one thing. This BA paper is the paper of English. Could anybody tell me that if the question comes, I mean there are reference to the contract, do you think that you are asked to write down in Urdu language? The answer is no. So that's why I am of the opinion that you should try to grip I mean that of the English language. लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको उर्दू में भी समझाऊंगा अब हमने क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन द फॉलोइंग एक्सेप्ट विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ठीक है स्टूडेंट ये पहला दिया कुछ लाइनें हैं दी गई हैं ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये रेफरेंस था ये इसका कॉन्टेक्स्ट है ठीक है और कॉन्टेक्स्ट में आपने एक जिस्ट देनी होती है एक फोकल पॉइंट देना होता है ठीक है और ओवरव्यू देना होता है और जो एक्सप्लेनेशन है ये है इसको आपने एक्सप्लेन करना इज दैट क्लियर इसको आपने एक्सप्लेन करना अब मैं एक्सप्लेन करता हूं मैं साथ साथ समझाता जाता हूं उर्दू में भी द राइटर टेल अब एक और बात याद रखिएगा वो बोथ बॉयज एंड गर्ल्स मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा इम्तिहान में अगर आपने ऐसे लिखना है ठीक है कॉम्प्रिहेंशन लिखना है या प्रेसिव लिखनी है एक बात याद रखें ये कमेंट जब आप कर रहे हो ये प्रेजेंट फॉर्म में होता है अब आप चूंकि इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ये प्रेजेंट फॉर्म में होगा इसको मैंने कई देखा है कि कई स्टूडेंट एक प्रेजेंट लिखेंगे बीच में पास भी लिख देंगे आपने कोशिश करनी है कि आपने प्रेजेंट फॉर्म में ही बात आपने डिस्कस करनी है पास में ही आपने लिखना ठीक है पास की अगर कोई बात हो पास की तो फिर उसमें तो थोड़ा बहुत आप दे सकते हैं लेकिन मैं ये आपको कहूंगा कि जो भी आपने लिखना है वो प्रेजेंट में आपने लिखना है मिसाल के तौर पर द राइटर टेल्स दैट आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड अब राइटर ये बताता है कि उसके खावन की मौत के बाद यहां कॉमा आएगा क्योंकि ये एक पॉज हुआ है सिनोनिम कॉमा यानी कैरेक्टर है उसके बाद कॉमा ये रेलेटिव प्रोनाउन है हु इज ए फ्रेंड ऑफ पपोवा लेट हस्बैंड ये पपोवा का जो खावन था निकोलाय ये उसका दोस्त था और उसने उसको उधार कुछ दिया था 1200 रुबल इज दैट क्लियर रशियन ये कॉइन है रशियन करेंसी है दोबारा करते हैं द राइटर टेल्स दैट आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड कॉमा अब ये पॉज है सिमरलो ये करेक्टर है और इसके बाद रेलेटिव प्रोनाउन हु इज ए फ्रेंड ऑफ पपोवा लेट हस्बैंड जो पपोवा के जो फॉल हो गया हस्बैंड उनका दोस्त है आज इन प्रेजेंट फॉर्म इज दैट क्लियर प्रेजेंट फॉर्म रखनी है आपने पास नहीं लिखना आज फॉर ए लोन which he gives to Pohua's late husband जो Pohua के जो फॉर्म फॉर वर्ल्ड देता है बिफोर डेथ मौत से पहले वो उसको देता है आप फिर देखें टेंस कौन सा है he behaves to Pohua very rudely and with ill manner way he behaves to Pohua very rudely वो पपुआ से बड़ी बदतमीजी से बात करता है
और उसका जो रवैया इल मैनर यानी उसका मैनर भी ठीक नहीं है. ही आल्सो अब ये कब आप मैं आपको समझा सुनो इल मैनर ये यहां व्यक्ति होगा ठीक है वे ये नाम ये इसको डिमांड कर रहा है. ही आल्सो सेज ही डज नॉट हिज पेरेंट फॉर्म इज दैट क्लियर ही डज नॉट नो टू बिहेव टू द लेडीज वो ये कहता मुझे आपको से बात करना नहीं आता ठीक है. He has seen more women than she has seen fellow. ये उसे टाउन रखता है ये जो कि बड़ा मगरूब टाइप बंदा है the name of this place is Beer. A Beer बड़ा ferocious, rude, cruel, बदतमीज टाइप हमें जानवर होता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो समर्थ में है. अब वो छिक के मारता कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी औरतें देखी हैं जितनी आप लोगों ने परिंदे देखे देखे होंगे यानी ये सारी की सारी बकवास कर रहा है. He has seen more women than she has seen sparrows. इधर क्लियर sparrow ये परिंदे को कहते हैं चिड़ी को कहते हैं. He refused 12 women and 9 refused to him. अब ये मारते लग रहा है कहते हैं 12 जो है मैंने 12 औरतें मेरी जिंदगी में आई उनको रिफ्यूज कर दिया और 9 ने मुझे कर दिया यानी कि इज अ काइंड ऑफ रिडिकुलस कैरेक्टर इज दैट क्लियर. सो मेरा ये मानना है मेरा ये कहना है कि अगर इसी क्वेश्चन को आप गौर से करेंगे तो इस पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे. द कमिंग बी एग्जाम Is that clear? So, I want to make more comfortable to you. As your B exam is coming near, so I am of the opinion that I should try to infuse in your mind the thing which can definitely prove very successful. In your annual exam. So, as you prefer that I should try to speak in Urdu language. Before I tell you anything Urdu, I would like to tell you one thing. This BA paper is the paper of English. Could anybody tell me that if the question comes, I mean that I referred to the contract, do you think that you are asked to write down in Urdu language? The answer is no. So that's why I'm of the opinion that you should try to grip Amin Hassan with English language. लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको उर्दू में भी समझाऊंगा. अब हमने क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन द फॉलोइंग एक्सेप्ट विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ठीक है. स्मेरनो ये पैरा दिया कुछ लाइनें हैं दी गई हैं ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये रेफरेंस था ये इसका कॉन्टेक्स्ट है ठीक है. और कॉन्टेक्स्ट में आपने एक जिस्ट देनी होती है एक फोकल पॉइंट देना होता है ठीक है और ओवरव्यू देना होता है और जो एक्सप्लेनेशन है ये है इसको आपने एक्सप्लेन करना इज दैट क्लियर इसको आपने एक्सप्लेन करना. अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं साथ साथ समझाता जाता हूँ उर्दू में भी. The writer tells, अब एक और बात याद रखिएगा वो बोथ बॉय एंड गर्ल्स मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा इम्तहान में अगर आपने ऐसे लिखना है ठीक है कॉम्प्रिहेंशन लिखना है या प्रेस लिखनी है एक बात याद रखें ये कमेंट जब आप कर रहे हो ये प्रेजेंट फॉर्म में होता है. अब आप चूंकि इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ये प्रेजेंट फॉर्म में होगा इसको मैंने कहीं देखा है कई स्टूडेंट एक प्रेजेंट लिखेंगे बीच में पास भी लिख देंगे. आपने कोशिश करनी है कि आपने प्रेजेंट फॉर्म में ही बात आपने डिस्कस करनी है पास में ही आपने लिखना ठीक है. पास की अगर कोई बात हो पास की तो फिर उसमें तो थोड़ा बहुत आप दे सकते हैं लेकिन मैं ये आपको कहूंगा कि जो भी आपने लिखना है वो प्रेजेंट में आपने लिखना है. मिसाल के तौर पर The writer tells that after the death of her husband, अब राइटर ये बताता है
कि उसके खावन की मौत के बाद या कॉमा आएगा क्योंकि ये एक पॉज रूम है सिनोटो कॉमा सिनोटो यानी कैरेक्टर है उसके बाद कॉमा ये रेलेटिव प्रोनाउन है हु इज ए फ्रेंड ऑफ पपोवा देव फ्रेंड ये पपोवा का जो खावन था निकोलाय ये उसका दोस्त था और उसने उसको उधार कुछ दिया था 1200 रुबल इज दैट क्लियर रशियन ये कॉइन है रशियन करेंसी है आप दोबारा कहते हैं द राइटर टेल्स दैट आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड कॉमा अब ये पॉज है सिनोरो ये करेक्टर है और इसके बाद रेलेटिव प्रोनाउन हु इज ए फ्रेंड ऑफ पपोवा डेट ऑफ फ्रेंड जो पपोवा के जो फॉल हो गया हस्बैंड उनका दोस्त है आज की प्रेजेंट फॉर्म इज अ क्लियर प्रेजेंट फॉर्म का नहीं आपने पास नहीं लिखना आज फॉर ए लोन विच ही गिव्स पपोवा डेट ऑफ फ्रेंड जो पपोवा के जो फॉर्म फॉल हो गया लिखा है बिफोर डेथ मौत से पहले वो उसको देता है अब फिर देखें टेंस कौन सा है ही बिहेव पपोवा वेरी रूडली